असलम टूम गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आप कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में काम करते हैं। आज मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ इसके कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो गाइस, ये आ गया एडोब इलस्ट्रेटर। मैंने अगर यहाँ पे कोई फाइल खोली है तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ से अपने हिसाब से जो मुझे साइज चाहिए होगा सेव में, मुझे मोबाइल का साइज जो चाहिए होगा, वेब का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट मैं इस वक्त रिसेंट नहीं करूँ, मुझे चाहिए 11x8 इंच का। मैंने कर दिया क्रिएट, ये भी क्रिएट हो जाएगा, ये हो गया क्रिएट। यहाँ से मैंने लेयर्स कर दी। अब मैं आपको पहले कहूँगा मूव टूल, आप कैसे मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ये देखिए, ये है मूव टूल, इसकी शॉर्टकट की है वी। फर्स्ट करें तो मैं ये टूल लेता हूँ। अब मैंने ये वाला मूव टूल लेना है तो मैं क्लिक करूँगा वी पे, तो ये मूव टूल आ जाएगा। इससे मैं कोई भी शेप वगैरह होगी ना, कोई भी चीज़ मेरी होगी, मैं उसे यहाँ पे मूव कर सकूँगा। और अब मैं आपको शेप टूल के साथ कुछ करके दिखाता हूँ। ये है शेप टूल, इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर नहीं है, इसमें राउंड रेक्टेंगल एलिप्स वगैरह भी है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका काम। ये आ जाता है आई थिंक मेरे ख्याल से ए से, यस ये ए से आ जाता है। इस टूल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसका नाम। और अब मैं इससे डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें देखी। मैं इससे इसको एंकर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके मैं यहाँ से इस तरह कर सकता हूँ, ये मैं इस तरह कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं इससे ये इससे भी कर सकता हूँ। और अब इसके बाद आती है बारी, हम लोग आते हैं पेन टूल पर। पेन टूल का काम होता है कि आप इससे ट्रेस कर सकते। मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई पड़ा होगा, कोई भी आप के एफ सी वगैरह किसी भी चीज़ का लोगो ले लें। मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने एक लोगो बनाया था काफ़ी देर पहले, मैं वो ले लेता हूँ। ये यहाँ पे किसी वजह से नहीं हो रहा, मैं आपको एक मिनट किसी और से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे कर लिया प्लेस। अब मैं इसको आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा। ये पेन टूल से आप इस तरह ट्रेस कर सकते हैं। ये फर्ज करें लोगो है, तो मैं इसको पेन टूल लूँगा और मैं इससे ना इसके यहाँ पे कोनों पे हर जगह पे मैं इसको भी ट्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा। और अब जैसे ये है, इसमें मुझे कर्व चाहिए, इसमें मैं कर्व के लिए यहाँ पे क्लिक करके ना मुझे यहाँ तक फर्ज करें कर्व चाहिए, मैं इस तरह करूँगा, क्लिक करके मैंने छोड़ देना। और बाद में मैंने फुल क्लिक नहीं करना, हल्का सा इस तरह करके देखें, ये कर्व हो गया। और इस तरह मैं यहाँ पे भी आके ये देखिए, इस तरह आप ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल से। ऐसा कोई भी आप कर सकते हैं, के एफ सी का लोगो हो, जियो का लोगो हो, किसी का भी लोगो हो, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका बताता हूँ इसका इस्तेमाल, कर्व टूल। ये वैसे होता ही कर्व के लिए, इससे आप बनाए सिर्फ कर सकते हो। ये देखिए, मैंने फर्ज करें यहाँ से बैक स्पेस किया, मैंने यहाँ से ये कर्व टूल लिया और मैं इसको यहाँ पे करके इस तरह इससे कर्व टूल से हम सिर्फ कर्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक और अच्छा टूल बताता हूँ जिससे आप मतलब मैंने किसी भी लोगों को ट्रेस किया बट मैं इससे ना वो सही नहीं हुआ ट्रेस, पर उस करियर मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ी सी टेरी मेरी रहने बना देता हूँ। अब मैंने तो इतना अच्छी चीज़ नहीं बनाई, बट अगर आप कोई भी मतलब आपसे कोई चीज़ गलत बन जाती है तो आप स्मूथ टूल यहाँ पे आकर लेंगे। इससे आप जो भी इसको भरेंगे ना ये उसको स्मूथ कर देगा, जो इसको लगेगा कि ये शेप थी। मैं फर्स्ट करें इस लोगो भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस लोगो पे मैंने क्लिक किया, ये क्या मैंने इस पर क्लिक करके ना अब मैं इसको इससे करके दिखाऊंगा आपको। ये क्यों नहीं हो रहा, ये एक मिनट, हाँ ये इसी से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह आप इस पर किए जाएंगे लाइन्स बाद में खुद ही रिमूव हो जाए। और ये देखिए मैंने क्या बनाया था और उसने इसको क्या बना दिया, ये होता है स्मूथ टूल, ये स्मूथ कर देता है। और अब फर्ज करें जॉइन टूल मैंने बनाई है, मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ। पेन टूल की शॉर्टकट की है पी और मैं इससे कर लिया, ये मैंने फर्ज करें मैंने ये लाइन ड्रा कर लिया।
मैंने यहाँ तक किया है और मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया। तो अब यहाँ पे है, ये है ज्वाइन गुरु, मैं इसको यहाँ पे करूँगा ना तो ये इसको ज्वाइन कर देगा। और पाथ इरेजर टूल का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका यहाँ से इरेज कर देगा। मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ, फिर आपको इसका पाथ इरेजर टूल का दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका पाथ इरेज करता रहता है, जहाँ से भी आप करेंगे आपका पाथ इरेज। और फिर आता है पेंसिल टूल, पेंसिल टूल ज़्यादा पेंसिल वाली आप लाइन्स बना सकते हो इससे। उसके बाद शेपर टूल, वो इसकी शेप्स को सही कर, ये शेप बनाते हैं खुद ही। ये देखें जैसे वो बनी थी, मैंने ऐसे ही देखें ऊपर वाली बन गई थी ऐसे ही। अगर आप सही टाइप की बनाएंगे वो थोड़ी, आप ये देखें मैंने गलत शेप बनाई थी, बट उसने उसको जब उसने लगा कि स्क्वायर है तो उसने उसको स्क्वायर में बदल दिया। जो शेप उसे आप बना के देंगे, जो उसे लगेगा कि कुछ शेप है तो उसको, ये देखें मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया उसने, ये देखें ये ओवल है, ये कुछ नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूँ आज की एक और मैं आपको टूल बता देता हूँ, पेप्सी का लोगो आप लोगों को सबको पता ही होगा, हम सबको तो लगता है वो बहुत मुश्किल टूल है, बहुत मुश्किल है वो लोगो, बट वो बहुत ईजी है। मैंने ना जब देखा ना तो मैं हैरान हो गई, इतना ही ईजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ना मैंने ना यहाँ से ये बना लिया एलिप्स, मैंने एलिप्स को लेके ना मैं इस पर कर देता हूँ ब्लू कलर, एक दफ़ा ब्लू कलर मैंने कर दिया इसमें। अब मैं लूँगा ये है इरेजर टूल, ये मैं इरेजर लेके ना यहाँ पे आके मैं इसको ये कर दूँगा, ये देखिए ये बन जाएगा। और अगर मैंने पेप्सी या लोगो बनाने ना, ये देखिए ये मैंने बना लिया। और अब यहाँ पर मैंने इतना ऐसा नहीं बनाया, यहाँ पर ऐसी जगहों पर आपका स्मूथ टूल काम आएगा। यहाँ पर मैंने स्मूथ टूल लिया और ये देखिए उसने उसको स्मूथ कर दिया। और अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि पेप्सी का लोगो कैसे बनेगा। ये ऊपर वाला ब्लू हो गया और ये मैंने नीचे वाला कर दिया रेड, ये देखिए ये है पेप्सी का लोगो। और आपको मैं बता दूँ अगर आपने कोई लोगो वगैरह यहाँ पे प्लेस करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ तो आप कॉपी करके वहाँ से यहाँ पे कंट्रोल वी कर लें, वो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने सेव किया ना तो अब आपने यहाँ पे आना है प्लेस पे, प्लेस पे यहाँ पे जो भी आपने बनाए होंगे, फर्ज कर रहे मैं आपको ये कर लेता हूँ, मैंने इसे यहाँ पे प्लेस किया, ये देखिए ये इस तरह ही प्लेस हुई। और अब मैं इसका एक मिनट आपको साइज छोटा करके ना कुछ एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ। ये देखिए ये पेज की साइज बताता है आपको, पेज की साइड पे आप जहाँ भी करना चाहेंगे ना इसको अलाइन इस लोगों को, ये हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह किया, यहाँ पे कर मैं जाता हूँ सेंटर में, इसलिए सेंटर में कर, मैं जाता हूँ ऊपर इसलिए ऊपर, मैं बिल्कुल सेंटर में जाता हूँ मैं सेंटर, उसने सेंटर, और मैं चाहता हूँ नीचे उसने नीचे कर दिया, बस ये इसका काम होता है। और आप मेरे उसकी ये मतलब इतना डार्क नहीं चाहिए, जैसे ये चीज़ें ये आपको बहुत लाइट सा नज़र आ रहा हो, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने हम आप कर सकते हैं। ये देखें ओपेसिटी मैंने इसकी लो कर देंगे, ओपेसिटी मैंने लो कर दिया, बिल्कुल भी नज़र, मैं जैसे जैसे ओपेसिटी पर आता जाऊँगा ये होता जाएगा डार्क। और ये देखिए जब मैंने 100% की तो मुझे साफ दिखता है। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको मैं ये बाकी सारे टूल्स का भी इंजॉय लगता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।